चैनल ओल्ड टेल्स विद टाइमलेस विजडम। आपको पता ही होगा कि हम लोग हर बार अलग अलग कंट्रीज की फोक टेल्स लाते हैं आपके सामने, और आज हम फिलीपींस से एक फोक टेल आपके सामने लाए हैं जिसका नाम है एक कछुआ और एक लिजर्ड। तो चलो आज की स्टोरी शुरू करते हैं। की बात है, एक लिजर्ड और एक टर्टल एक फील्ड में आए थे अदरक चुराने के लिए। जो टर्टल था वो लिजर्ड को बोला कि हमें बहुत ही चुपचाप काम करना होगा, क्योंकि अगर हम आवाज करेंगे तो जो मालिक है इस फील्ड का वो आके हमको पकड़ लेगा। लेकिन जो लिजर्ड था वो टर्टल की बातें इग्नोर कर गया, और जैसे ही उसने अदरक को टेस्ट किया वो उसको इतना पसंद आ गया कि वो बोला कि इस फील्ड का अदरक तो बहुत ही अच्छा है। तो टर्टल ने बोला कि चुप रहो वरना वो आदमी आके हमको पकड़ लेगा। लेकिन हमेशा की तरह जो लिजर्ड था वो बातों को इग्नोर कर गया और चिल्लाते गया जोर से, और जैसे वो चिल्लाते गया वो आर्मी आया और उनके पीछे भागने लगा। जो टर्टल था वो बहुत तेज भाग नहीं सकता था, इसलिए वो चुपचाप एक जगह पे लेट गया। लेकिन जो लिजर्ड था वो तेजी से भाग रहा था, तो फिर जो आदमी था वो लिजर्ड के पीछे भागने लगा। जैसे ही वो आदमी बहुत दूर चला गया था, जो टर्टल था वो चुपके से आदमी के घर के अंदर घुसा और एक कोकोनट के शेल में अंदर चला गया। उस शेल में आदमी भी बैठा करता था। तो फिर जब तक वो बैठा, जो लिजर्ड के पीछे आदमी भागे जा रहा था वो तेजी से भाग रहा था, लेकिन एवेंचुअली वो गिव अप कर गया क्योंकि उसके हाथों में लिजर्ड नहीं आया। फिर जैसे ही वो वापस आया वो तुरंत एक अपने कोकोनट शेल में बैठ गया। जो टर्टल था उसने धीरे से बोला बार बार, तो फिर जो आदमी था वो अपने कोकोनट शेल से उठा और देखा कि जो आवाज़ है वो किधर से आ रही है, लेकिन उसको नहीं पता चला। जब टर्टल सेकेंड टाइम ऐसा कहा तब भी आदमी उठा और पूरे घर में देखा, लेकिन उसने वो कोकोनट शेल के अंदर नहीं देखा था। ऐसे वो टर्टल बार बार बुलाते गया लेकिन आदमी उसको ढूंढ नहीं पा रहा था। इवेंचुअली वो थक गया और सो गया। जो टर्टल था वो धीरे से बाहर आया और वो बहुत दूर नहीं गया था जब उसको लिजर्ड वापस मिल गया। वो लोग और थोड़े आगे गए जब उनको एक पेड़ में थोड़ा सा हनी मिला। जो टर्टल था उसने बोला कि मैं पहले जाके थोड़ा सा हनी ले लेता हूँ, लेकिन लिजर्ड ने हमेशा की तरह नहीं बात सुनी और वो खुद भाग गया आगे। जैसे ही वो हनी लेके वापस आने वाला था, जो उस पेड़ के अंदर मधुमक्खियाँ रहती थी वो बाहर आ गई और उसको काट दिया। लिजर्ड था वो टर्टल के पास भागा मदद लेने के लिए, तो फिर टर्टल उसको मदद कर गया और उनको हनी मिल गया। फिर वो लोग थोड़ा और आगे गए और उनको एक चिड़ियों के जाल मिला, जो एक शिकारी ने चिड़िया को पकड़ने के लिए बिछाया था। तो जो टर्टल था वो उस लिजर्ड की बदमाशियों से तंग आ गया था, तो उसने कहा वो देखो वो वही सिल्वर तार है जो मेरे दादाजी अपने कंधे के अराउंड पहनते थे। तो लिजर्ड हमेशा की तरह उसके तरफ भागा उसको पहले लेने के लिए, लेकिन वो उस जाल में फंस गया। जब वो शिकारी वापस आया उसने उस लिजर्ड को लिया और चला गया। जो कछुआ था वो अकेले गया और उसको अब अपने बदमाश दोस्त से भी छुटकारा मिल गया था। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें जो भी करना हो सोच समझ के करना चाहिए, बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। पहले हमको सोचना चाहिए कि किसी भी एक्शन का रिजल्ट क्या होगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी तो लाइक करें,
शेयर करें, और अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।